जी हाँ नमस्कार दोस्तों दोस्तों और ट्रू इवेंट पे आपका स्वागत है। साथ ही दोस्तों आपको ट्रू इवेंट पे मिलता है पुराने सिक्के पुराने नोटों को बेचने या फिर इनको सेलिंग करने या कहीं पे देने के लिए अजीबोगरीब या अलग अलग तरीके से एकदम निशुल्क जानकारी। तो दोस्तों आप लोग 786 वाले नोट देख चुके हो, ट्रैक्टर वाले नोट देख चुके हो या आप अनेकों अनेक प्रकार के नोट देख चुके हो, लेकिन दोस्तों आपके पास में एक ऐसा नोट भी है जो स्टार वाले नोट बोले जाते हैं। अब स्टार का क्या मतलब है, कौन से नोट स्टार के होते हैं या स्टार वाले नोटों के कितने लाखों रुपए मिलते हैं, कौन से वो बायर्स स्टार वाले नोट खरीदते हैं या स्टार वाले नोटों में क्या क्या होना अनिवार्य है, कब हमारा नोट बिकेगा, स्टार कहाँ पे लगा होता है, स्टार यानी आपको पता ही है स्टार का चित्र कैसा होता है या स्टार पे क्या कोई चित्र होता है या फिर कोई सीरियल नंबर के बीच के अंदर वो स्टार का चित्र बनाया जाता है। तो ऐसे ही हंड्रेड सवाल आपके हैं दोस्तों। तो आप भी पुराने नोट पुराने सिक्कों के बारे में जानकारी चाहते हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको मिलती है भारतीय सिक्के भारतीय नोटों से रिलेटेड जानकारी। और दोस्तों मैं आपका भाई रोहित राजस्थान से आपके लिए लेके आता हूँ हर एक प्रकार के एकदम सरल व स्पष्टीकरण से वो नोट वो सिक्कों की जानकारी जो आप लोग सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों को आज के वीडियो में 100% मैं बताने वाला हूँ स्टार वाले नोटों का खुला कच्चम चिट्टा। तो दोस्तों जैसे कि आपके पास में कोई सा भी नोट, मान लीजिए कोई सा भी नोट आपके पास में है, अब उसमें ना तो 786 है ना ही जो है अलग फैंसी नंबर है, लेकिन फिर भी आपके उस जो नोट है उसके अंदर है स्टार। अब स्टार कहां पे होगा, स्टार आपको प्रीफिक्स व सीरियल नंबर के बीच के अंदर होगा, जो आपको मेरे एक नोट के ऊपर दिखाई दे रहा है यहां पे आपको स्टार नजर आएगा, इन दोनों के बीच में स्टार होता है। अब आप ये मत सोचना कि स्टार वाला केवल स्टार वाला नोट ही लाखों का है, तो बिल्कुल दोस्तों ऐसे नोटों के बारे में जानकारी लेना है तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि मैं एक एक करके आपको ए टू जेड जानकारी दे दूंगा। और आज हमारा ये वीडियो देख लोगे तो स्टार वाले नोटों के बारे में कहीं पे भी आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों आपको पता है प्रीफिक्स व सीरियल नंबर, सीरियल नंबर अगर फैंसी हो 786 हो 7786 हो कुछ भी हो, लेकिन बीच के अंदर स्टार पाया जाता है। अब स्टार का क्या मतलब होता है दोस्तों, स्टार जब भी आपके पास में जो भी नोट है वो अगर रिपीट नोट है या आरबीआई ने जो नोट बनाए हैं उनमें कोई मिस्टेक हो गया तो वो आरबीआई को पता चल गई, जो बैंक में ही जमा हो गए और वो नोट वापस चले गए, उसी सीरीज के जो नंबर आते हैं वो होते हैं स्टार वाले नोट, उन्हीं को उन्हीं में स्टार पाया जाता है। यानी डबल सेकेंड नोट जो होता है, जो नोट बन गया वो खराब हो गया कुछ भी मान लो, वही नोट अगर आरबीआई दोबारा से बनाती है तो उसमें लगता है स्टार। ये स्टार का मेन जो छोटा सा पॉइंट था ये आपको समझा दिया। इसके बाद में दोस्तों स्टार वाले नोट कलेक्शन वाले क्यों लेते हैं या कलेक्शन वाले कैसे लेते हैं, कब लेंगे और कौन से नोट ही स्टार वाले लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपके पास कोई सा भी ये नोट है जो हर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये नोट आपके पास में है, अगर इस नोट के अंदर ये जो आपको पता चल रहा है स्टार आपके चित्र में दिखाई दे रहा है, आपको सामने स्टार भी दिखाई दे रहा है। अब आगे का नोट दिखाता हूं दोस्तों, नोट कर लेना बात को, आपको जो जानकारी दे रहा हूं वो आज तक कोई सा भी यूट्यूबर हो सकता है नहीं दे पाए। अब दोस्तों ये जो नोट देखिए, ये जो नोट आपको दिखाई दे रहा है इसमें स्टार भी है और 786 भी है, बिल्कुल आप देख पा रहे हो स्टार और 786। तो ऐसे नोट होते हैं वो आपको पता है यार डबल दो चीजें होगी, यानी 786 वाला तो नोट है ही, स्टार वाला नोट 786 यानी कि एक नोट में दो दो खूबियां होना वो अपनी आप में कुछ अलग दर्शाता है। और ये जो 786 स्टार वाला जो नोट है आपका 2 से 5 हजार के लगभग कहीं पे भी बिक जाएगा। अब जब आगे चलते हैं तो आपको दिखाई दे रहा है स्टार व फैंसी नंबर, स्टार व फैंसी नंबर सुन लीजिएगा दोस्तों, स्टार व फैंसी नंबर ये नोट आपका जो आपको दिखाई दे रहा है सोने पे सुहागा है, ये नोट आपका 10 से प्लस में बिक जाएगा, 10 हजार के लगभग अनुमानित जो है इनकी प्राइस बता रहा हूं। अब इससे आगे जब चलेंगे तो ये देखिए 786 कटिंग एरर नोट और फैंसी नंबर नोट, यानी 000786 वाले जो नोट है और साथ में स्टार, मैंने बार बार कहा था 000786 या 111786 या 666 कुछ भी हो सकता है, 666786 777786
888786 और बीच के अंदर स्टार, बीच के अंदर स्टार होगा तो वो नोट सबसे ज्यादा महंगा बिकता है। यानी कि 111786 और बीच में प्रीफिक्स नंबर के बीच में स्टार, तो वो नोट आपका काफी ज्यादा संख्या में, काफी ज्यादा पैसों में बिकने वाला है। अगर आपके नोट में कुछ मिसप्रिंट हो या प्रिंटिंग के समय कुछ गलती हो गई हो और उसके बाद में अगर आपका स्टार वाला नोट हो वो, तो वो सबसे महंगा बिकता है, उसकी प्राइस काफी ज्यादा मिलने वाली है। तो दोस्तों आज आप लोग जो भी आपके पास में स्टार वाले नोट या जो भी आप कलेक्शन रखते हो उसमें ये चीज क्लियर कर लेना कि स्टार वाले कौन से नोट है, बिल्कुल कौन से नोट है। साथ ही आप ये भी क्लियर कर लेना स्टार वाले नोटों की कंडीशन क्या है। कंडीशन बिल्कुल यूएनसी कंडीशन होनी चाहिए, यूएनसी कंडीशन वाले नोटों के ही आपको पैसे मिलने वाले हैं, ना कि वेरी फाइन या एक्स्ट्रा फाइन जो होती है उन कंडीशनों में कोई नहीं लेता। सबसे पहले मोड़े हुए नोट नहीं होने चाहिए, जो भी कलेक्शन में या नोट आपके पास में है वो ऐसे मोड़े या समेटे हुए नहीं होने चाहिए, एकदम सीधे होने चाहिए, ना दुल्हे होने चाहिए, ना किसी पानी में या कहीं भीगे होने चाहिए। जैसा नोट हो वैसा क्लियरली नोट होगा यूएनसी कंडीशन का, वही नोट आपका सेल होगा। अब सेल करने के लिए आपको क्या करना है, आप करते हो ऑनलाइन बायर से संपर्क, ऑनलाइन बायर आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज, आरबीआई लेटर या कुछ भी मांग सकते हैं, तो उन लोगों से आपको बच के रहना। आपको जो भी आपके आसपास या आपके शहर के अंदर जब भी कोई कॉइंस एग्जीबिशन या मुद्रा प्रदर्शनी हो वहां पे सीधा चले जाइएगा। मुद्रा प्रदर्शनी के अंदर एंट्री एकदम निःशुल्क होती है और इंडिया के छाटे हुए हर एक कॉइंस बायर आपको वहां पे मिलता है। जो ऑनलाइन बायर होते हैं वो कभी आपको एग्जीबिशंस में नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका काम है फ्रॉड करना, और जो रियल बायर होंगे कलेक्शन ही करने वाले होंगे वो आपको एग्जीबिशंस के अंदर मिलेंगे। एग्जीबिशंस में जाइएगा, एग्जीबिशंस के अंदर आपका जो भी अच्छा जो मैंने नोट बताया ऐसा नोट यूएनसी कंडीशन का है तो वो आपका सेल भी होगा। तो ऐसे सेल करने के लिए आप ना आरबीआई बनवाए ना कुछ करना, और साथ ही जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको अलग अलग तरीके से और भी जानकारी मिलेगी और भी आपको बेचने या खरीदने की जगह बताई जाएगी। प्राइस सहित बताते हैं दोस्तों, हमारे चैनल पे ना फ्रॉड वाला सिस्टम है, कुछ एक लोग कमेंट करते हैं लेकिन कमेंट वालों का हमें क्या, क्योंकि कमेंट वाले सब फ्रॉड है। जो कमेंट में ऐसे लिखते हैं कि हम फ्रॉड है, हमने आज तक किसी से रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं मांगा, हमने आज तक किसी से आरबीआई लेटर बनवाने के लिए पैसे नहीं मांगा, और हमारे नाम से जो भी पेमेंट मांग रहा है वो भी समझ जाए, क्योंकि हम आपके खिलाफ जल्द एक एक्शन लेने वाले हैं। हो सके तो हमारे नाम की जो डीपी लगा रखी है, हमारे चैनल की जो डीपी लगा रखी है वो भी हटा ले। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। फेसबुक पे हमारा जो पेज है ट्रिवेंट, उस पे भी हमारे जो वीडियो आते हैं तो वहां पे भी आप फॉलो कर लेना और सपोर्ट करना। दोस्तों आपका सपोर्ट यू बना रहा तो आपका ये भाई आपके जो भी सिक्के जो भी नोट है सेल करवाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, राम राम।